मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे नफरत। ड्रामा सीरियल मैक एपिसोड 25 में आप देखेंगे बशरा और आयरा दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती हैं और बहुत एक्साइटेड होती हैं कि ये ब्रांड प्रोजेक्ट उन्हीं में से किसी एक को मिले। वो दिन आ जाता है और बड़े मियाँ प्रोजेक्ट फखर ग्रुप्स यानी आयरा जिस कंपनी में काम करती है उनको मिल जाता है। चल झूठा। मुबशरा और बुढ़ाऊ आसिफ बहुत तप जाते हैं कि आयरा बाजी मार गई, इसकी जीत दोनों को हजम नहीं हो रही होती। तो मुबशरा अपने बाप से प्रोजेक्ट अनाउंसर से मिलने की बात करती है और अपने बाप से कहती है कि वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और हमने भी माजी में उनके बेटे के साथ हुए मामले में उनका भरपूर साथ दिया था। ये जानते हुए कि कसूरवार उनका बेटा था, प्रेस मीडिया में हमने उनकी काफी हेल्प की थी, अब वक्त आ गया है कि वो हमारा साथ दें। वो इस बड़े पापी से बात करती है और उसे भारी रिश्वत भी देती है जिसकी वजह से मुबशरा आयरा की खुशियां और प्रोजेक्ट दोनों उसे छीन लेती है और आयरा अपनी कंपनी मैनेजर और ऑफिस स्टाफ से जलील होकर रह जाती है। मैनेजर उसे फायर कर देता है और अपनी कंपनी से निकाल बाहर करता है। आयरा भी तीखी छुरी है, मुंह मासूम और इरादे का अतलाना ही रखती है। वो भी मुबशरा का आखिर पता लगा ही लेती है और भरी महफिल में सवाल करती है उस रिश्वत खोर से कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो ईमेल आपको किसने भेजी थी? नेवर। जिसमें फखर ग्रुप्स के फ्लॉज को हाईलाइट किया गया था। तो वो आसिफ की तरफ देखते हुए पूछती है तो आसिफ सर पकड़ कर बैठ जाता है। आसिफ आयरा से कहता है तुम में जरा सी भी कर्टेसी नहीं है कि तुम हमारी खुशियों में शरीक हो सको। वो आसिफ से पूछती है आप मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं, मेरी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं खुद भी कभी कभी तुझे नापसंद करने लगती हूँ। तो आसिफ आयरा से कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुमसे नफरत करूँ। हाँ बड़े कामकार वाला बंदा है ये, तो कॉफी और सिगरेट पीने के अलावा कोई काम ही नहीं करता, ये हर वक्त आईब्रो सुजाए सिगरेट सुलगाता रहता है ये बुढ़ाऊ नशाई। जैद अपने बाप से कहता है आप आयरा से इतना बदगुमान क्यों हैं? बाबा वो जैसी है मेरी बीवी है और मुबशरा एमजे की भी अच्छी क्लास लेता है। जैद इसे कहता है मेरे और आयरा के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अपनी राय मत दिया करो। ये क्या हो गया, ये क्या सुन लिया है मैंने, एमजे की खुलेआम बेइज्जती। दिस इज नॉट फेयर जैद, तुम्हारी खातिर बच्ची बदल गई थी, इसमें फिर से मुबशरा की रूह आ गई तो फिर से तुम बेघर होकर रह जाओगे। इतनी महंगाई है और अब तो फखर ग्रुप्स वाले भी तुझे नौकरी नहीं देंगे। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानी रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।